स्टेज हटा दो, स्टेज से उतार दो, स्टेज आपको कम गाओ तो मैम स्टेज से सब नीचे रहेंगे। चला बाइक ले आ जाओ, जाग जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक अवनी की बात नहीं है, ये हमारी पूरी पृथ्वी की बात है। जिनको नहीं पता है हिंदी में अवनी का पर्यायवाची शब्द है धरती पृथ्वी, जिसका तात्पर्य हम लोगों के, हम इंसानों के जीवन से है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां इतने सालों से आ आके सारे लॉज में फेर बदल करती गई है और हम चैन की नींद सोते गए हैं, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों नहीं फर्क पड़ा है? कब फर्क पड़ेगा? जब हमारा अगला जनरेशन नहीं रहेगा, जब मैं बार बार सफर करेंगे, तब उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा। आर दे बॉदर्ड? अब नहीं तो मैं, मुझे आज अभी तक मैं लोगों के जवाब देती हूँ कि अब नहीं, मैं नहीं करती तो मार दिया तो क्या हुआ? अरे कम ऑन यार, मैं नहीं करती तो मार दिया मतलब क्या है? शेर नहीं होगा, शेर नहीं होगा तो फॉरेस्ट नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा तो इकोसिस्टम नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं होगा तो मैनकाइंड नहीं होगा, जिसमें कि आप और हम सारे शामिल हैं। अगर आप अपनी लाइनेज, अपने जनरेशन को जिंदा रखना चाहते हैं तो मेहरबानी करके अभी जाग जाइए, आगे वक्त नहीं मिलेगा। रोज एक अवनि की खबर हम तक पहुंचती है, रोज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान छोड़िए महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक लेपर्ड को, एक वाइल्ड एनिमल को मारा जा रहा है। किस लिए? ताकि उनकी जो फॉरेस्ट लैंड है वो उठा के दे दी जाए आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। मैं पूछना चाहूँगी, मैं सिर्फ आज एक महीने बाद हम यहाँ खड़े हैं वैसे ही मायूस शक्ल लटका के, मतलब एक तरह से लानत है हम सब पर कि हम अब तक कुछ नहीं कर पाए।
ये नहीं है कि हमने हथियार डाल दिए और आगे जाके कुछ नहीं करेंगे, बट मैं पूछना चाहती हूँ उस इंसान से जिसके नाम पर मैंने वोट दिया था, मोदी जी से। मैंने मुनगंद तिवार को वोट नहीं दिया, मैंने फडणवीस को वोट नहीं दिया, मैंने पीसीएस मिश्रा का जो पोजीशन है वो सैंक्शन नहीं किया। मैंने मोदी जी आपको वोट दिया, आप क्यों चुप हैं अब तक इस मामले में? ताकि हंटर हार करके एक बात समझना पड़ेगा कि अगर इतना बड़ा एक फॉरेस्ट है, इसके बीच से सड़कें निकालनी है, ट्रेन लाइन निकालने हैं, तो इन जगहों को आपने बांट दिया। एक फॉरेस्ट यहाँ पे है, एक फॉरेस्ट यहाँ पे है, एक फॉरेस्ट यहाँ पे है। एनिमल्स जो है यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जब पूरी दुनिया में उनके लिए एनिमल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, अगर आपको हाईवे बनाना है बनाइए, विकास जरूरी है, लेकिन नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ लाइव्स। आप बनाइए फॉरेस्ट के ऊपर से, मेक दोस ब्रिजेस, मेक अंडरग्राउंड पैसेजेस फॉर एनिमल्स, मेक समथिंग। आप मुझे एक बात बताइए कि फॉरेस्ट के अंदर लोगों के मारे जाने का जो कॉम्पनसेशन है वो आप बढ़ा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे नाम वाला कर रहे हैं इलेक्शंस के पहले, किस लिए? ताकि और जानवर नरभक्षक बन जाए, ताकि आप अपने घर के और सारे जो यूजलेस लोग हैं, जो शायद अपाहिज होकर पड़े हुए हैं, उनको आप उठा के जंगल में डाल दें, ताकि ये जानवर मैनेजर है। एक और चीज, 15 लाख के लिए ये एक बात, ये जो कॉम्पनसेशन दिए, मतलब ये विलेजर्स को बताया जाता है कि हम आपके लिए इन नरभक्षियों को मार रहे हैं, और विलेजर्स आप हमको वोट दीजिएगा। कैसा उल्लू बनाते हैं भाई, कैसा उल्लू बनाते हैं, और पब्लिक उल्लू बनती रहती है, बारंबार उल्लू बनती है, थू है हम पे यार। रिलोकेट करना है, रिहैब करना है, तो जानवरों को क्यों? फॉरेस्ट उनका है, रिलोकेट करना है, रिहैब करना है, तो विलेजर्स को कीजिए, फेंस बनाइए, उन्हें कहिए कि फॉरेस्ट के अंदर ना जाएं। क्या इतनी छोटी बात हम सबको समझ में आ रही है? आप पढ़े लिखे हो भाई, सब पॉलिटिक्स का चक्कर है, सब पॉलिटिक्स का चक्कर है। तो देखो, भगाओ ना वहाँ से। आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, शपथ के जो बेटे हैं वो कैसे आए, ऑथराइज नहीं थे, उसके बावजूद वो आके उन्होंने, हमारे पास आज 4 पॉइंट्स के लिए हम इकट्ठे हुए स्पेशली। आज एक महीना हो गया, अपनी मरी नहीं है, वैसे भी हम जो एनिमल लवर्स है हम नहीं बोलते कि वो हमारे अंदर जीवित है, तो अबनी चली गई हमें छोड़ के, उसका मर्डर किया गया। आज पूरा एक महीना हो गया है, सो हमने, हमारे ट्रस्ट ने, हमारे एनिमल एक्टिविस्ट लोगों ने हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर को 8 दिन पहले हम लेटर दे के आए थे। वी हैव गिवन ए लेटर टू हिम सीएम दैट 4 पॉइंट्स दैट बैन शफत अली दैट हंटर एंड पुट ए फेयर ट्रायल अगेंस्ट हिज सन असगर अली, and we want this forest minister, so called, I don't want to take his name also, immediately sack. And chautha jo sabse zyada important point hai, where is the cubs? Where are the cubs? Hame alag alag you know videos dikhaye ja rahe that yesterday some statement came that the cubs are eating cattle and goats inside the jungle and they started eating the cattle, so cattle ko lene gaon wale andar jayenge fir se aur gaon walon ko bhi cattle kha lenge, matlab sher kha lenge. Then they will again declare the man-eater the cubs को, तो ये एक को तो मार दिया, तो मुझे, मेरे को ना हाथ जोड़ के पब्लिक को, मतलब देश के कोने कोने में, ऐसे कहते हैं 1.5 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, ये आप मीडिया से भी मुझे, मतलब हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप जाए कोने कोने में मेरी आवाज़ पहुँचाएं, कि जितने भी आबादी है मेरे देश में, हिंदुस्तान में, ग्लोबली, बच्चों को पहले बचा जाए, और देश शुड नॉट बी ए सेकेंड अवनी। No yes, more kill yes, tigress. No, that's all. No more wildlife finish. मैं पूछना चाहूंगी, और हम प्रोटेस्ट कर करके भी थक गए, हर कोने में, हर जगह पे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, एनिमल लवर्स हैं, छोटे से छोटे कोने में, अभी तक गवर्नमेंट ने चू तक नहीं किया अपने पोजीशन से हटके। हम मंत्रालय में भी रोज जाके कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, तो ये मीडिया ही है, आप लोग कान तक आवाज पहुँचा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, अवनी को मारने के बाद जो इलीगली जिस तरीके से मारा गया है अवनी को, शेरनी, देश की शेरनी को, उसके बाद उसके अवनी का शरीर का जो स्किन, उसका क्या किया, उसके दांत का क्या किया, उसकी चीज़ों, उसके जो शरीर में नाखून जो जो लोग जो बेचे जाते हैं, उसका क्या किया, उसके भी प्रश्न हैं। तो जिसने मारा वो हंटर ही थे, वो सभी बेच के वो भी तो हंटर ही थे, तो वो सब चीज़ें कहाँ गई, वो भी क्या उसी चीज़ों को भी आप लोगों ने, जिन्होंने मारा, क्या उनको चीजों को, देयर इज लॉट ऑफ लीगल लूपहोल्स इन दिस केस आल्सो, लाइक यू नो इट्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आया, जो भी हमें दिखाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आप रात को 11 बजे जाके उसको गोली नहीं मार सकते, अकेले आदमी,
देर इज, जैसे हमारे इंसानों में फांसी होती है तो एक डॉक्टर, एक पादरी, एक हर एक चीज़ उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो फांसी से ही मारा जा सकता है। आप गला दबा के या गोली मार के या मुक्का मार के उनको नहीं मार सकते हो। तो इसको जो कंटेम्प्ट टू कोर्ट किया गया, जो ऑर्डर था कोर्ट का कि एक वेटरनरी डॉक्टर भी रहेंगे साथ में, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी रहेंगे साथ में, जब भी उसको गन डाउन पहले तो ट्रैंकुलाइज करने को बोला था, वो किया नहीं है, और गोली उनके पीठ में लगी है और बोला गया कि वो सेल्फ डिफेंस में मारी गई है, तो पीठ में कहाँ से गोली लगी है। तो ये सब चीज़ें एक मीडिया ही है जो शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकती है। हम सड़कों पे काफ़ी खड़े हुए हैं, अभी भी आज भी हम यहाँ पे हैं लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में अंधेरी मुंबई में, 3 बजे से 6 बजे तक हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, हमारे और एक कुछ वॉलंटियर्स बैंड्रा बैंडस्टैंड में प्रोटेस्ट करिए, पर नेक्स्ट हम इकट्ठे होकर मंत्रालय के बाहर जाने वाले, और इस बार जाके मोर देन 5000 पीपल, आई गेव एस लेटर टू ऑनरेबल CM ऑल्सो, हम वहाँ पे लेट जाएंगे और वापस ही नहीं आएंगे जब तक जस्टिस नहीं मिले। मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे जाके जब इस तरीके की ये सब जो हो रहा है हमारे समाज में, जिसका जिम्मेदार सबको पता है कौन है, क्यों है ये भी पता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को लैंड, ये जो बातें बाहर आ रही हैं, ऐसा पैसा किस काम का, ये पैसे ऐसे पैसे तरक्की पे काम पे नहीं आते हैं, इसका जो रिपरकशन होता है, क्योंकि नेचर हिंदुस्तान में जिस तरीके से हमारा फॉरेस्ट जो हम मैनग्रोव कहते हैं, और उसको भी जिस तरीके से वो गलत तरीके से आप लोग ये जो कर रहे हो, इसका रिपरकशन, क्योंकि कलयुग होने के बावजूद इसका रिपरकशन परमात्मा देता है, और इसका रिपरकशन बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा इसका रिपरकशन। एक मैं ये मैं वैसी बात कर रही हूँ क्योंकि दिल दुखाया आपने सैकड़ों देशवासियों का, तो इसका रिपरकशन जो दिल दुखा है जनता का, तो इसका रिपरकशन बहुत बुरा होगा। एक होता है ना, जो मैं शब्द नहीं मिल रहे पर आप समझ रहे हैं इसका रिपरकशन मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसका रिपरकशन मतलब इसकी जो बद्दुआ होती है बच्चों को माँ से अलग करने की, इसका रिपरकशन बहुत बुरा। खुशबू, आप सभी बेजुबान फाउंडेशन वालों से पूछना चाहेंगे, यहाँ पे आपने अवनी भी बुलाई हुई है, क्या मतलब किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये कि आज के दिन अवनी को मरे हुए 1 महीना हो गया है, तो हम लोग सब अपनी तरफ से दिल से दुआ कर रहे हैं कि वो जहाँ भी हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके बच्चों के लिए हम लोग ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि जहाँ भी वो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो खुद को दूसरे बड़े वाइल्ड एनिमल से बचा सकें। आज हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है कि आपने इतने एनिमल एक्टिविस्ट, इतने सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अभी ना गवर्नमेंट गांधी जी के रूल्स को फॉलो तो कर रही है, बट वो आधे तरीके से कर रही है। गांधी जी का रूल था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। गवर्नमेंट का हो गया कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो। ना वो देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ना वो सुन रही है, ना वो बोल रही है। तो कम से कम अपने देशवासियों को, क्योंकि गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस, हम लोगों ने उनको वोट दिया है, वो आंसरेबल है। जब इतने सारे लोग मिलकर सवाल पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, उनको एक प्रॉपर एविडेंस देना चाहिए। आप अगर किसी क्रिमिनल पे केस चलता है, इतने लोग सवाल उठाते हैं, तो भी आप एविडेंस प्रूव करते हैं कि क्रिमिनल नहीं है। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गिव अस द एविडेंस कि नहीं, वो बच्चे सुरक्षित हैं, कम से कम उनके ऊपर से ये दब्बा हट जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि शफकत अली खान इज नॉट अ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट लाइफ एक्ट, एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर ही अपनी सर्विस फॉरेस्ट लाइफ में दे सकता है। शफकत अली खान एक शौकीन नवाब है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अब नवाबों का और रजवाड़ों का ज़माना नहीं है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। तो शफकत अली खान को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना चाहिए। अब वो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होने के बाद भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बेचारे फॉरेस्ट ऑफिसर इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मेहनत करके अपनी सर्विसेज देते हैं, इट्स लाइक एन इंसल्ट फॉर देम, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई लिखाई की कुछ वैल्यू ही नहीं है। ही हैज़ नो राइट्स टू प्रोवाइड हिज सर्विस। तो शफकत अली और उनकी टीम को इमीजिएटली बैन करना चाहिए। तीसरी बात है, मुंगतीवार सर, जो सर भी नहीं बोल सकते हम, सॉरी, मुंगतीवार पर इतने सारे लोगों का आरोप है, तो एक इंसानियत होने के नाते, एक शर्म होने के नाते कि भैया आंखों में शर्म है, इतना इल्ज़ाम लग रहा है, एक फेयर ट्रायल बिठाओ। अगर जब तक फेयर ट्रायल नहीं आ रहा है तब तक रेजिग्नेशन दो। उस फेयर ट्रायल में अगर आप क्लियर प्रूफ हो जाओगे तो हम इज्जत के साथ आपको बोलेंगे कि सर, इवन कीप ए प्रेस मीट फॉर अस दी पब्लिक दी नेशन, इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, नथिंग, एक प्रेस मीट भी उन्होंने नहीं समझे, 15 में जवाब तो दे कम से कम। और इतने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हुए हैं, आफ्टर सनसेट आप किसी भी जानवर को ट्रांसक्यूलाइज भी करना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते, तो आफ्टर सनसेट आप नहीं कर सकते। उन्होंने आफ्टर सनसेट 11 बजे जाके जंगल में उसको मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अवनी 5 दिन से भूखी थी, उसके पेट में गैस और कुछ लिक्विड फ्लूइड मिला है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक प्रूफ होता है, कोई भी मैन ईटर जानवर जो होता है वो भूखा रह ही नहीं सकता। वो 5 दिन कैसे भूखी रही अगर वो मैन ईटर थी तो।
उस जगह पर जहां अवनी को मारा गया है वहां पर कोई भी वेटेरियन मौजूद नहीं था। हम लोग बार बार जितनी बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितनी बार हम लोग गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वहां कोई वेटेरियन नहीं था। तो आज बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की हेमा चौधरी, मैं और हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने मंत्रालय में सीएम को एक लेटर दिया है जिसमें क्लियर लिखा है कि अगर 8 दिन में उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं हम आपके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू, ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया एनिमल एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आइए और मंत्रालय के सामने हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट मीडिया के थ्रू सुन नहीं रही है, किसी तरह नहीं सुन रही है। उन्होंने सरकार को इतना भड़काया, मुझे अक्सर फ़ोन बजते हैं कहीं से मैं जाऊँ अगर प्रोटेस्ट की, जैसे कुछ लोग पब्लिक भी आई है तो पहला क्वेश्चन करते रहे 13 लोगों को मार दिया था आप लोग, उसको क्यों बचा रहे हैं? पब्लिक में इतने अफवाह फैला के रखे हैं कि शेर ही गलत है। आप एक बात बताओ ना, अगर आपको पता है वहाँ शेर है तो आप वहाँ जा क्यों रहे हो? सरकार साबित ही नहीं कर पाई अभी तक। आज 1 महीना हो गया मेरी हत्या करके, लेकिन मैं मैन ईटर नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। और मुझे जब मारा गया तो वो कानून का उल्लंघन करके तोड़ा गया है। पहली बात तो असगर अली टीम का मेंबर था, उसे अधिकार नहीं था मुझे मारने का, उसने गन डाउन कानून को तोड़कर मुझे मारा है। तो इसलिए सबसे पहले असगर अली खान को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। और मुनगंडी वार जी ने बिना कुछ जाने, क्योंकि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं वनों की और हम वन्य प्राणियों की, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मुझे फंसा के मारा। मैं ईटर नहीं हूँ, मैंने असगर अली के ऊपर कोई अटैक नहीं किया था। असगर अली ने मुझे पीछे से गोली मारी है, वो भी रात के समय, और मुझे अब तक पता नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मुझे हर रोज भ्रांति में लोगों को डाला जा रहा है कि मेरे बच्चे यहाँ हैं वहाँ, तो मुझे तो जवाब दो कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। और मुनगंडी वार इमीडिएट इस्तीफा दीजिए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी न्यूज़पेपर में मुनगंडी वार का एक स्टेटमेंट आया है कि कैटल्स गांव में जा रहे हैं, जिनको बचाने के लिए शायद से गाँव वाले भी जाएंगे, और वो जो अवनी के कब्स हैं वो उन इंसानों पर अटैक करेंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, ये कभी नहीं होना चाहिए कि कल को आप उसके बच्चों को मैनिटर प्रूफ कर दें और उनको भी मार दें। तो सेव द कब्स, अगर कल को ये प्रूफ होता है कि अवनी के बच्चे मैनिटर हैं तो ये एक पॉलिटिकल साजिश होगी। एक बार हो चुका है उसकी माँ के साथ, दोबारा ना हो। कल से स्टेटमेंट देना उन लोगों ने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। पहली बात पेपर में आया था, सरकार ने ये बोला था सरकार को जमीन चाहिए, वो जंगल चाहिए, तो वो हर कोशिश करेंगे, हर झूठी बातें बोलेंगे कि अवनी के बच्चे भी मैन ईटर है, जबकि सरकार ये तक प्रूव नहीं कर पाई थी कि अवनी खुद मैन ईटर है, तो उसके बच्चे कैसे मैन ईटर हो? सरकार बहरी नहीं है, वो अंधी नहीं है, उसको बोलो सच्चाई के साथ खड़े रहने। जब तक बच्चे 18 महीने के नहीं होते वो लोग शिकार करना अपनी माँ के साथ ही सीखते हैं। आप ये गूगल कर लीजिए, इसमें पूरा एविडेंस आपको गूगल में मिलेगा, बच्चों ने कोई शिकार नहीं किया है, इसका कोई एविडेंस नहीं है वहाँ पे। और सबसे पहले सरकार बोल रहे हैं बच्चे दिखाए हमें, एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है T1 ने। और पहली बार जिस अवनी का नाम लिया वो अवनी नहीं है, वो अभी अग्नि हो चुकी है। अब वो ऐसी अग्नि है कि अब आप देखिए, पहले 4 आए थे, अब 20 आए, अगली बार 100 आएंगे। हम ग्राम, आप कितने लोगों को मार सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो, पुलिस लाके आप कर लो, आप कितना आप रुका सकते हो। देखो पब्लिक जब जोश में आएगी ना तब आप कुछ नहीं कर पाओ। सरकार खड़ी इसीलिए चली जाएगी, सरकार खड़ी इसीलिए क्योंकि हमने उन्हें खड़ा किया है। 5 साल की शेरनी कभी इंसानों को खा ही नहीं सकती है, क्योंकि 5 साल की शेरनी अपना शिकार करती है, उनके फेवरेट खाना होता है डियर, अगर वो नहीं मिलता है तो कुछ वाइल्ड हर्ब्स खा के वो लोग जीते, इसका प्रूफ गूगल में है। अगर जो भी चीफ कंजर्वेटिव जो लोग बोल रहे हैं, ये AK मिश्रा को भी मालूम होगा कि वो लोग वाइल्ड हर्ब्स खा के जीते हैं। ह्यूमन फ्लैश 5 साल के शेरनी का शौक 60 साल का बुढ़ा नहीं हो सकता। शेरनी का शौक 5 साल का जिसमें मटन ही ना हो वो शेरनी ढूंढ के खाने का पॉसिबल ही नहीं है। और वो लोग वीक में एक ही बार शिकार करते हैं, अगर उसके कब्ज़ ने किया भी है तो वो एक ही बार होता है। हर रोज अचानक 2 गोट उठा के लेके चले गए, उसके बाद 1 काऊ उठा के लेके चले गए, उसके बाद इमीडिएटली और कुछ उठा के लेके चले गए, उन्हीं खा लिया। सब नॉनसेंस, वीक में एक ही बार शेर खाना खाता है, शेर सिर्फ 1 बार खाना खाता है, 5 दिन में 1 बार, इसका प्रूफ गूगल है। आप कोई भी बुक्स ढूंढ लीजिए उसमें यही मिलेगा कि शेर शिकार सिर्फ 5 दिन में 1 बार करते हैं। देखिए बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट और सारे एनिमल एक्टिविस्ट सिर्फ ये डिमांड करते हैं कि जो भी उन्होंने अवनी पर इल्ज़ाम लगाए हैं वो साइंटिफिकली प्रूफ कर दें, एक फेयर ट्रायल बिठा दें। अब जिंदा ही नहीं है, फेयर ट्रायल बिठा दें अगर उनके सरकार दोषी नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, ऑफिसर दोषी नहीं है, तो हम माफ़ी मांग लेंगे कि भैया हमने गलती कर दी, पर अगर वो दोषी है उनको
अभी हमें प्रूफ चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए कि आप प्रूफ करो। आपने मां का ब्रेस्ट देखा है, मां दिखे जिस अवनी को मारा गया उसका ब्रेस्ट सूख चुका है। कोई भी मदर का ब्रेस्ट अपने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को फीड करते हुए सूख नहीं सकता। हर कोई लेडीज यहाँ पे मदर होगी या नहीं हुई तो होने वाली होगी, वो लिटरेचर पढ़ ले। वो अपनी के कब्ज हो सकते, बिकॉज फिर उनकी माँ की दर, फिर उनकी माँ की दर है। ये तो जाती हो रहा है एकदम, मतलब सरेआम करे, कोई बोलने वाला ही नहीं है यहाँ पे। हम पब्लिक, हम भारत की पूरी जनता से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज वन्य जनवरों के लिए आगे आइए, क्योंकि ये मामला जंगल का है। मेरे घर होने चाहिए, अगर मेरा घर मुझसे छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, और जंगल कट गए तो आप लोग कैसे जियोगे। तो खुद के लिए तो आगे आओ, जंगल और वन्य प्राणियों की बात तो आप सीरियस नहीं ले रहे हो, लेकिन प्रदूषण हो जाएगा तो आप सांस कैसे लोगे। तो आगे तो आओ, प्रदूषण को रोकने के लिए, खुद को बचाने के लिए तो आगे आओ। रेडी महिला से शुरू करो, चलो कोई बात। जब भी अवनी को शूट किया था बांद्रा में भी आपने वो चीज सपोर्ट करने आए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वन मंथ अभी हुआ है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आपने मंत्रालय को भी बोला है कि यू नो शूटर को आप खंडित कीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसे? आज एक महीना हो गया है अवनी को गुजरे हुए, लेकिन उसके गुजरने के बाद भी जो हमारे दिल में जो पेन के साथ जो आग लगी हुई है वो बुझी नहीं है और बुझेगी भी नहीं। हमने हर एक ऑथोरिटी, हम मंत्रालय कह कर है, हमने पुलिस स्टेशन में FIR दी है कि हमने लेटर लिख कर दिया गया है कि हमें परमिशन मिले कि हम असगर अली के खिलाफ FIR दर्ज करा सके। हम ये डिमांड करते हैं कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर मुंगतीवर है उसका रेजिग्नेशन लिया जाए, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा बर्बादी उनके ही ऑर्डर से हुई है। और मिश्रा जिन्होंने बिल्कुल किसी चीज़ का ख्याल रखे बगैर परमिशन दी और रात को इलीगल तरीके से अवनी को मरवा दी। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई इनके कब्ज का क्या है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए। हमने बहुत सुना है कि वो कहते हैं कब्ज अच्छे हैं, सही हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम बैट रख रहे हैं, वो भी वो खाते हैं, लेकिन हम ऐसे झूठे लोगों को मान ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल दे गिव अस द एविडेंसेस एंड द प्रूफ के भाई ये कब्ज अच्छे हैं और अपनी जगह पर सही है। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि अगर कब अच्छे हैं तो आप उनको पकड़ के लेकर आओ, इधर रखो उधर रखो। अगर वो अच्छे हैं तो आप वहीं के वहीं उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करो, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करो, और ये डीफॉरेस्टेशन जो आप कर रहे हो ना वो बंद करो। हाँ, यही हमारी मांग है। कब्ज को अब जिंदा रहने दो, और अगर वो जिंदा है तो आप उन्हें, हमें पब्लिक एविडेंस चाहिए। आप जो कोई एक मिलने जाता है तो आप कहते हो हाँ वो अच्छे हैं, एक या दो लोगों को आप क्यों बता रहे हो? अगर ये तो ओपन चीज़ है, आप बताइए कि कब्ज कैसे है, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि भाई अवनी तो चली गई लेकिन कब्ज जिंदा है और उनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी जगह पर रखा जाए, इफ दे हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट। यही हमारा कहना। सर आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों को लेकर? मेरी इमोशनल अप्रोच है इस सारे मामले में, अवनी ने अवनी को मारा, बहुत दुख, बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग जो लॉ का सहारा लेकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए है, किस चीज़ के लिए मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि माँ की आत्मा की शांति के लिए एटलीस्ट उसके बच्चों का ख्याल करें, उन्हें ढूंढें, उन्हें महफूज रखें, ताकि और कुछ नहीं तो उनकी ज़िंदगी आगे खुशहाली से। तो मैं यही सारी अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत हो गया, ये इनह्यूमन अप्रोच जो आप लोगों की है इसे ख़त्म कीजिए, एंड लेट्स बी ह्यूमन, लेट्स बी गॉड्स पर्सन एंड लुक आफ्टर दिस चिल्ड्रन। और छोड़िए ये सब बातें बहुत हो गई, अब एक्शन करके हमें बताएं कि बच्चे का। डॉली जी जो हमेशा से सच्चाई के लिए यू नो फाइट करती हुई नज़र आती है, आज अवनी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से जो हुआ है उसके बारे में क्या है आपकी राय? बहुत डिबेटेबल है आपका प्रश्न। सबसे पहले आज सेकंड 2 तारीख है, 1 महीना हो गया अवनी के लिए श्रद्धांजलि के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। गुफी भैया, गांगुली, जया भट्टाचार्य, सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं भी, हम सारे, हमारी दोस्त हेमा चौधरी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ समाज में होता आ रहा है। अब इंसानों को तो आप
बख्शते नहीं हैं, एनिमल को भी बख्शना बंद कर दिया आपने। मतलब आप जिस तरीके की हरकतें कर रहे हो, आपने एक माँ से अपने बच्चे जुदा किए हैं। आप, मैं बोलती हूँ ये कहना चाहूँगी, आप भूल जाइए ये एनिमल हैं, ये टाइगर हैं। आप देवी को पूछते हो, सारा संसार पूछता है, हमारी मेजॉरिटी हिंदू समाज की है। जब हमारी देश में हिंदू समाज की मेजॉरिटी है तो देवी का वाहन है टाइगर, शेर, शेरनी। यस यस, देवी का वाहन है, वेरी नाइस। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। आप जब देवी को पूजते हो, उनको ही आप वार कर रहे हो, आपने हमारा दिल दुखाया है। हम इंडिविजुअल हिंदुस्तान में जितने हिंदुस्तानी हैं नहीं जानते थे ये फॉरेस्ट मिनिस्टर का नाम क्या है। ये हरकत हुई, उसके बाद सबकी जानकारी बढ़ गई, ये सो एंड सो नाम है उनका, जो मैं भी अभी भी पूरा उनका नाम समझती नहीं हूँ। सुधीर मुंगल, अवनी ने लोगों को, मैं समझती हूँ समाज में, मैं समझती हूँ कि नेचुरल, अगर आप ये लॉजिकली देखा जाए तो अगर इंसानों को मार रहे हैं तो इसीलिए ये जानवर को, जानवर बोला जा रहा है ना, तो जानवर को मारा। आप देखिए ना, चाइना में जिस तरीके की हरकत होती है जानवरों के और हाथियों के दांतों से हार मालाएं ज्वेलरी, इतने 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 मतलब दवाइयाँ, चाइनीज़ दवाइयाँ, इतना चाइना में जिस तरीके से जुल्म चल रहा है, यहाँ तक कि कुत्तों को भी मारा जा रहा है, यहाँ तक हिंदू, हमारे हिंदुस्तान में भी आ गई ये सब चीज़ें, जो केरला में ज़्यादा होता था। मैं थोड़ा, मैंने आपको पहले ही स्टेटमेंट मेरी ये थी, डिबेटेबल है, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगी तो कहानी ख़त्म नहीं होगी और वन लाइनर है नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपने क्या इंसानियत बरती है, पहला पॉइंट ये। आप इतने, आप कर्म अच्छे करो ना, आप करो ना अच्छे, क्यों हमारे दिल को दुखा रहे हैं आप। हम जया भट्टाचार्य का वीडियो लाइव देखते थे, गांगुली के स्टेटस पढ़ते थे, और जिस तरीके से अवनी को समाज में, जिस तरीके से जितने एनिमल लवर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, इनकी जो प्रोटेस्ट होती थी, इनकी बातें होती थी, दिल दुखता है, बहुत दिल दुखाया ये फॉरेस्ट मिनिस्टर ने। और इसमें उसके बावजूद आप हमारी बातें नहीं सुन रहे, कहीं ना कहीं आप अब जा कर के, आपने एक माँ को बच्चों से अलग किया, आज बच्चे भूखे हैं, आपने ये कहा वो एनिमल मैन ईटर था,